वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिस वीडियो को आप पानी की तरह बहा रहे हैं, उस वीडियो की ऊर्जा से आप अपने शरीर को इतना ताकतवर बना सकते हैं ये आप कभी सोच भी नहीं सकते। कि आपका शरीर ऐसा हो जाएगा कि हीरे की तरह मजबूती और चेहरा आपका ऐसा होगा जैसे हीरे में जितनी चमक होती है। बस शर्त यह है कि आपको तकरीबन एक महीने तक कंटिन्यूसली ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, क्योंकि आगे का काम आपको करने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ही इस आदत को छोड़ देंगे। दयानंद सरस्वती जी और प्रोफेसर राममूर्ति ने इस बात को साबित भी किया है कि ब्रह्मचर्य से शरीर को हीरे जैसा बनाया जा सकता है। एक बार आपने काम वासना को एनर्जी में कन्वर्ट करना सीख लिया तो आप हजारों लाखों की भीड़ में भी अलग दिखोगे, क्योंकि आपके चेहरे पे वो चमक होगी जो आपने वीर्यनाश करके नहीं बहाई है, क्योंकि आपके शरीर में विद्युत जैसी चमक होगी। काम वासना को ऊर्जा में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कुंभका प्राणायाम। इसको करने के लिए आपको एक शांत जगह ढूंढनी है और पालथी मारकर शांति से बैठ जाओ। आपको नाक से लंबी सांस लेनी है, जितनी देर हो सके उस सांस को आप रोक कर रखें, उसके बाद नाक से छोड़ दें। रोजाना आप 10 मिनट तक इसका अभ्यास करें। जब हम प्राणायाम करते हैं तो इसमें हमारे फेफड़े और सारी इंद्रियों की बहुत ज्यादा ताकत लगती है। जो रोजाना प्राणायाम करेगा उसके फेफड़े बहुत अच्छे और बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इस समय तक भागने पर और कसरत करने पर भी थकान आपको महसूस नहीं होगी। जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देखते हैं और एक्सरसाइज करते हैं और भागने जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। आप डेली 10 मिनट तक इस प्राणायाम को करिए, आपको 30 दिन के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप अगर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं तो 1.5 किलोमीटर दौड़ने लगेंगे और आप थकेंगे भी नहीं। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं कि आप 10-15 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो आपको सांस फूलने लगती है। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर करते हैं तो आपको काफी अच्छी रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं और आपका इतना स्टैमिना बढ़ जाएगा कि आप मुझे याद करोगे और कमेंट तो जरूर करोगे कि भाई आपने क्या जबरदस्त चीज बताई है। महावीर कहते हैं, भोजन या फिर ज्यादा पौष्टिक खाना कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह काम वासना को बढ़ाता है। और ये पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ज्यादा भोजन करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है और ज्यादा पौष्टिक खाना भी। तो इसलिए कम भी ना खाएं, ज्यादा भी ना खाएं, एक एवरेज खाएं, हर चीज में बैलेंस लेके चलें तो आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियोस में आप लोगों के लिए बनाता रहूं और आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता रहूं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश आप लोगों तक करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में इसी चैनल पर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।